हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज करंट अफेयर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं VVPAT क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर और ट्रायल। इसका अभी चुनाव में उपयोग होने जा रहा है और कई जगह हुआ भी है, तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कहाँ पर इसका ये बनती है और कहाँ पर इसका यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम। तो हम ये डिस्कस करेंगे। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें VVPAT मशीनों का उपयोग करने के लिए औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि पहले भी VVPAT मशीन का उपयोग हुआ है 2-3 इलेक्शंस में, तो अब EVM मशीनों की मदद से जो भविष्य में चुनाव होंगे वो VVPAT मशीन का उपयोग करके किए जाएंगे। मतलब EVM के साथ साथ VVPAT मशीन का भी यूज़ किया जाएगा। VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर और ट्रेल, मतलब कि वोटर वेरीफाई कर सके ऐसा कोई पेपर होगा, दैट इज कॉल्ड VVPAT मशीन। और VVPAT मशीन क्या है इसके बारे में आपको बता दूं कि और क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि और इससे चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि VVPAT मशीनों का उपयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। हम डिस्कस कर लेते हैं कि VVPAT मशीन क्या है और उसके क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावों के दौरान VVPAT मशीन का प्रयोग तब से किया जा रहा है। लेकिन इस साल जो मई में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि भविष्य में सभी चुनाव VVPAT का प्रयोग किया जाएगा, तो अब चुनाव आयोग ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कुछ जगहों पर VVPAT मशीन का यूज़ हुआ है। हाल ही में कई राजनीतिक दल EVM में छेड़छाड़ की संभावनाओं को दूर करने के लिए VVPAT मशीन का यूज़ करने की बात कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो EVM मशीन है वो फुल प्रूफ नहीं है और उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, और जो पार्टीज़ हैं या फिर रूलर पार्टीज़ हैं वो इसका छेड़छाड़ करती हैं और अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो जाती हैं। इस वर्ष की शुरुआत में जब UP विधानसभा चुनाव हुए थे तो अधिक से अधिक पारदर्शिता बहाल करने की मांग करते हुए 16 पार्टियों ने EVM के बजाय बैलेट पेपर की मदद से मतदान करने के लिए चुनाव समिति से आग्रह किया था, क्योंकि लेकिन बैलेट पेपर जो बहुत पुराना हो चुका है और अब हर जगह लगभग EVM से चुनाव होते हैं, लेकिन EVM में गड़बड़ी की आशंका लेते हुए 16 पार्टियाँ जो थी उन्होंने EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने के लिए चुनाव समिति से आग्रह किया था। और गोवा के बाद अब गुजरात दूसरा और देश का पहला बड़ा ऐसा राज्य होगा जहां संपूर्ण चुनाव VVPAT की मदद से किया जाएगा। इससे पहले गोवा में ऐसे ये चुनाव हो चुका है VVPAT की मदद से। ओके, अब VVPAT मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है हम डिस्कस कर लेते हैं। वोटर वेरीफाइड जो पेपर ऑडिट ट्रेल है वो एक प्रकार की मशीन है जिसे EVM के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे ये EVM के साथ एक मशीन जोड़ी जाएगी VVPAT मशीन, और ये मशीन जो होगी वोट डालने की पुष्टि करेगी। मतलब ये कि आपका वोट किसे गया है, किस संबंधित व्यक्ति को गया है, और इससे मतदान की भी पुष्टि की जा सकेगी आपका मतदान हो गया है कि नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस कि ये मशीन जो होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL द्वारा डिजाइन किया गया था। VVPAT के साथ एक प्रिंटर की तरह का एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है, और इसके तहत इसमें मतदाता द्वारा जब उम्मीदवार के नाम का बटन दबाया जाता है इस प्रकार से, तो उम्मीदवार के नाम और राजनीतिक दल के चिन्ह की पर्ची अगले 10 सेकंड में मशीन से बाहर निकलती है और इसके बाद एक सुरक्षित बक्से में गिर जाती है। पर्ची एक बार दिखने के बाद EVM से जुड़े कंटेनर में चल जाती है। EVM से जो एक शीशा लगा होता है उस शीशे की स्क्रीन में ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखेगी। जब व्यक्ति या चुनाव में जो वोटिंग करने वाला वोटर है वो ये पता कर सकेगा कि आपका वोट सही जगह जहाँ आपने डाला है वहीं गया है अथवा और कहीं तो नहीं चला गया, और उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे आपने वोट दिया है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। EVM में लगे स्क्रीन में बच्ची 7 सेकंड तक दिखेगी। और VVPAT का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था इंडिया में वो 2013 में नागालैंड के निर्वाचन में किया गया था। VVPAT की मदद से जो प्रत्येक मत होगा इससे संबंधित जानकारियों को प्रिंट करके मशीन में हम स्टोर कर लेंगे, और अगर कोई विवाद होता है भविष्य में उस
सीट जो लोकसभा या विधानसभा की सीट है वहां पर चुनाव के संबंधित कोई विवाद होता है या फिर वोटों की गिनती से संबंधित कोई विवाद होता है, तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए इस प्रिंटर मशीन को प्रिंट की गई मशीन है जिनमें कि ये वीवीपीटी मशीन की पर्चियां पड़ी हुई हैं, तो उनको खोला जाएगा और उन्हें काउंटर की काउंटिंग की जा सकती है। ओके, अब चुनाव आयोग का पक्ष क्या है। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे इधर पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उनमें ये कहा गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, अतः रूलिंग पार्टी ने अपना काम किया है और रूलिंग पार्टी ने इसमें छेड़छाड़ करा के उनकी सत्ता बरकरार रखी है कई जगह। तो चुनाव आयोग ने इसमें ये भी कहा है कि ये जो ईवीएम से छेड़छाड़ है ये हो ही नहीं सकती। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक खुली चुनौती दी थी कि जो इसे ईवीएम को हैक करके एक बार कोई दिखा दे तब हम मान जाएं कि हाँ ईवीएम हैक होती है। टाइम भी दिया गया था लेकिन कोई सामने नहीं आया। आयोग ने जो मध्य प्रदेश के भिंड और राजस्थान के धौलपुर में ईवीएम के साथ जो कथित छेड़छाड़ हुई थी उसके आरोपों की भी जाँच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ से इनकार करते हुए मशीनों को फुल प्रूफ बताया गया है। रीज़न ये है कि ईवीएम कोई नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती, ये एक ऑफलाइन मैटर होता है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर उस ऑनलाइन होता तो हम मान सकते हैं कि उसमें पहले से छेड़छाड़ की गई हो। और फिर भी इस राजनीतिक दल इस पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने ये औपचारिक घोषणा कर दी कि आप ईवीएम के साथ साथ हम वीवीपीटी मशीन का यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कि आप ये ना सोचें कि जो ईवीएम मशीन है उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो जो वोटर का वोट है वो सही जगह नहीं जा रहा है। ओके, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो क्या कहा है। इस वर्ष के जब आरंभ में भारत के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध सुनवाई पर निर्वाचन आयोग से वीवीपीटी युक्त मशीनों के जरिए चुनाव कराने को कहा था। जो तब के मुख्य न्यायाधीश थे जे एस खेहर जी और डी वाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि जो गुजरात उच्च न्यायालय का एक आदेश था उसके विरुद्ध में ये कहा कि आप जो चुनाव कराएं वो वीवीपीटी मशीन से कराएं और वीवीपीटी युक्त मशीन से कराएं, मतलब कि ईवीएम भी होगा और उसमें साथ में वीवीपीटी होगा। 2013 में जो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामला था उसमें अपने निर्णय में न्यायालय ने ये कहा था कि जो वीवीपीटी है वो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता है। और वहाँ पर न्यायालय ने कहा है, पहले कह दिया कि वीवीपीटी मशीन जो है एक आपके सामने प्रत्यक्ष है कि आपने किसे वोट किया है, तो एक निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि ईवीएम में मतदाताओं का जो विश्वास है वो वीवीपीटी के प्रयोग के जरिए हासिल किया जा सकेगा और मतदाताओं को ये 100% विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारा वोट उसे ही गया जिसे हमने सोचा था। तो ईवीएम के साथ जो वीवीपीटी मशीनें हैं मतदान प्रणाली की सटीकता को सुनिश्चित करेंगी। ओके, इसके निष्कर्ष क्या निकला है, हमने जो इतनी डिस्कशन किया उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मतदान के दौरान वीवीपीटी मशीन के यूजर्स से पहली बात तो मतदान में पारदर्शिता आएगी, लोग मतदाता जो होंगे वो पारदर्शिता का अनुभव करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लेकिन हमें अभी कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, जैसे कि हैकिंग की जो रूसी टेक्निक है जिसमें कि चुनाव करने वाले अधिकारी को फूड मेल्स और अन्य दुर्भावनापूर्ण माध्यमों के जरिए गलत आदेश दिए जाते हैं, इससे हमें बचाव करते रहना चाहिए। मतलब ये कि जैसे रूसी टेक्निक में क्या होता है कि आप या किसी ऑथोरिटी के नाम से जो चुनाव कराने वाले अधिकारी होते हैं उनके पास फ्रॉड मेल्स भेजते हैं, तो जो फ्रॉड मेल्स भेजते हैं उनके जरिए मतलब कि उन्हें गलत आदेश दिए जाते हैं और वो उन्हें काम करने के लिए बाध्य किया जाता है कि इस उम्मीदवार के पक्ष में आप वोटिंग कराइए, समथिंग समथिंग, तो इससे हमें बचना होगा। सेकंड थिंग, जो वीवीपीटी मशीन के उपयोग से समूची मतदान प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का विलंब संभव है। रीज़न क्या है, आप अब तक क्या करते थे कि जब ईवीएम में आप बटन प्रेस करते थे और आपका वोट ख़त्म, लेकिन अब क्या होगा कि ईवीएम में बटन प्रेस करेंगे 10 सेकंड का टाइम ईवीएम लेगा, 10 सेकंड के बाद आपके पास पर्ची निकलेगी और 7 सेकंड तक वो पर्ची आपको मशीन में दिखाई देगी, मतलब टोटल 17 सेकंड का टाइम एक वोट में आपके पास बढ़ेगा। तो जो सारा दिन होगा उसमें 17 सेकंड मिलाकर बहुत ज़्यादा टाइम, मैं कहूँ कि 3 से 4 घंटे का टाइम बढ़ेगा। अब ये 3 से 4 घंटे का टाइम आप सुबह से शाम तक मतदान कराते हैं, तो अब ये 3 से 4 घंटे का टाइम आप कहाँ ऐड करेंगे,
ये भी एक नेगेटिव इश्यू होगा इसका, इसे भी आपको हल करना होगा, इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा। अतः वीवीपीएटी आधारित चुनाव की जो रूपरेखा है उस पर चर्चा करने के लिए एक आंतरिक समिति की स्थापना की जाए कि आप वीवीपीएटी इंस्टॉल करेंगे लेकिन उसके उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, जिस विलम्ब को ध्यान रखते हुए व्यवधान मुक्त चुनाव के रास्ते जा सकें। दरअसल वर्ष 2019 के आम चुनाव के पहले सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी मशीन लगाना एक दुष्कर कार्य है। रीजन ये है, फर्स्ट थिंग कि हमें वीवीपीएटी मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हर बूथ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी मात्रा में इनका उत्पादन अभी हाल हमें संभव नहीं है। 2019 के आम चुनाव आ रहे हैं तो सेकेंड थिंग इस पर सैकड़ों और एक जो धनराशि है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगी इस पर, अतः इसके लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि इतना जो टाइम फ्रेम है वो एक साल का वो बहुत कम पड़ेगा वीवीपीएटी मशीनों के उत्पादन और उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए। तो ये कुछ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगे। ये जैसे पॉजिटिव क्या होगा, मतदाता को अनुशासन मिलेगा, मतदाता पूरी तरह से ये निष्कर्ष निकाल सकेगा कि हाँ मेरा वोट संबंधित व्यक्ति को ही पड़ा है। दूसरी चीज़ इसके नेगेटिव्स में ये होगा कि इसे जो टाइम होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फ्रॉड मेल्स भी ना आए, इसके लिए हमें काम करते रहना पड़ेगा। थर्ड थिंग कि जो इसका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो जो चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर बर्डन भी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा कि ईवीएम मशीन को ले जाओ और वीवीपीटी मशीन उसको ले जाओ, और कई सारी ईवीएम वीवीपीटी मशीन एक बूथ पर काम करेंगी क्योंकि कई सारे जगहों पर एक बूथ पर कई सारे कमरों में या फिर कई सारी जगहों पर चुनाव होते हैं, तो इस कारण हमें थोड़ी सी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ईवीएम के साथ वीवीपीटी की मशीन का यूज़ करने से जो होगी पारदर्शिता चुनाव में बढ़ेगी और लोगों को विश्वास होगा चुनाव आयोग पर भी और अपने दिए गए वोट पर भी, और इससे ये होगा कि वोटिंग की परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं। लोग ये कहेंगे कि हाँ मेरा वोट इस व्यक्ति को गया है तो मैं वोट जरूर करके आऊँगा, जैसे वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ सकता है। तो वीवीपीटी मशीन के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन एंड प्लीज रेट रिव्यू रिकमेंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कोर्सेज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।